हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम में डीजी। ये लेक्चर 6 है गाइस। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाइल रिवाइजिंग, व्हाइल डिस्कसिंग, वी डिस्कस अबाउट मेनी अदर्स रिलेटेड फैक्ट्स एंड दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स कंडक्टेड बाई यूपीएससी, पीसीएस, पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। गाइज, ये फ्रीडम स्ट्रगल आज से स्टार्ट हो गया है। इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया, अपलोड कर दिया गया, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज चलेगा गाइज। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग साइंस का लेकर के आ रहे हैं, फिर पॉलिटी का, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स का लेके आ रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा गाइज। लेट्स स्टार्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गाइज, जैसे कि आपको पता होगा, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ये एक लैंडमार्क, या फिर आप कह सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह, राइट। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट, ये गलत है, गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइसराय ऑफ ब्रिटिश वॉज, एक्चुअली 1857 के रिवोल्ट से पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था गाइस, लेकिन जैसे ही जब पावर ट्रांसफर ब्रिटिश क्राउन को हुआ तो अब उसके जगह पे वॉइसराय होने लगा था, राइट। तो ये लॉर्ड कैनिंग होगा। उस समय यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। यदि फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछा जाए तो भी इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये पूछा गया एसएससी सेक्शन ऑफिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, पहली बार ब्रिटिश को ऐसा लगा था उसकी जड़ें हिल गई थी, राइट। अब उनको लगा जो उसमें कुछ चेंजेज आएगा, चेंजेज लाने की जरूरत है, तो बहुत सारे चेंजेज आए, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, मिलिट्री चेंजेज आया, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेज था, कंसिक्वेंसेज था, कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करती थी, अब वो ब्रिटिश क्राउन, अब डायरेक्ट कहाँ से होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन से ही रूल्ड होगा गाइस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर्ड फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बैरकपुर होगा, ये वेस्ट बंगाल में एक छावनी हुआ करता था, कैंटोनमेंट, तो वहाँ ये पोस्टेड था। और ही वॉज एक्चुअली, ये हुआ क्या था, जो उस समय एक र्यूमर था, जो आप इनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें ऐसा कहा जा रहा था जो ये एनिमल फैट उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए इसके विरोध में उन्होंने अपने सीनियर्स को गोली मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, और ये पूछा गया एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857। ये महाराजा रणजीत सिंह, ये पंजाब के थे, वो एसोसिएटेड नहीं थे। नाना साहेब ऑफ कोर्स ये थे, बेगम हजरत मल और खान बहादुर, ये तीनों थे। इसका मतलब ये नहीं, महाराजा रणजीत सिंह नहीं होगा इसका मतलब, ये आंसर होगा। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश इज, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी बहुत बाद में आए। और ये जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा है, एक्चुअली सी सी वॉज द प्रिंसेस, सी वॉज वहाँ की वो महारानी थी चित्तौड़ की, जो कि कर्नाटका में है, राइट। तो ये इसलिए फेमस है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक संधि था, उसके तहत होता क्या था, जो जब आप कोई राजा बिना पुत्र के मर जाए तो उसका राज हड़प लिया जाता था, बट सी हैज सन, लेकिन वो बाद में मर गया, तो जब उसको रानी रानी चेन्नम्मा ने किसी और को राजा बनाया, तो उसके विरोध में ब्रिटिश ने उस पर हमला किया और वही फाइट की, राइट। तो ये कहानी है रानी चेन्नम्मा की। और रानी लक्ष्मी बाई, ऑफ कोर्स सी वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, वो झांसी में लड़ी थी। ये आरआरबी बेंगलुरु टेक्नीशियन ग्रेड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द सिपाही म्यूटिनी टुक प्लेस इन ईयर, ये बहुत ही इजी है, 1857 में। कह रहे, कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स, कुंवर सिंह, नाना साहिब, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद। कह रहा है जो हु अमंग दीज नेटिव रूलर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ गाइज। ये आप भारत का मैप आप देख रहे हैं, राइट। ये है भारत का मैप, कुछ रफ मैप ही है। तो एक्चुअली जो 1857 का जो विद्रोह था, ये सबसे ज्यादा एक्टिव दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हद तक ये सेंट्रल इंडिया में ही सीमित था, राइट। तो आप देख लीजिए, कुंवर सिंह बिहार से बिलोंग करते हैं, नाना साहिब कानपुर, ये कुछ नेटिव रूलर्स थे जो कि
ब्रिटिश का साथ दिया था, जिसमें सिंधिया ऑफ ग्वालियर किसको साथ दिया था, ब्रिटिश को, और निजाम ऑफ हैदराबाद दिया था। तो कह रहा है जो कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो 3 और 4, तो 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कह रहा है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। तो मौलवी अहमद शाह, मंगल पांडे, बख्त खां और नाना साहेब। नाना साहेब जाहिर सी बात है आपको कानपुर, बख्त खां कौन थे, एक्चुअली दिल्ली में वो कमांडर, जितने भी आर्मी लड़ा तो जा रहा था बहादुर शाह जफर के नाम पे, लेकिन ही वॉज ओल्ड, ही वॉज नॉट एबल टू लीड द आर्मी, तो बख्त खां लीड कर रहे थे। मंगल पांडे बैरकपुर, तो मौलवी अहमद शाह फैजाबाद, ही वॉज रियली उस ब्रिटिश को बहुत ही ज्यादा छकाया था इस युद्ध में, राइट। तो ये फैजाबाद से थे, उसको आप ध्यान दीजिए और याद कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये एनडीए में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम हुच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ऑफकोर्स मेरठ को 10 मई 1857 को मेरठ से यहाँ स्टार्ट हुआ, और फिर अगली सुबह वहाँ जितने भी आर्मी थे दिल्ली आ गए, और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अनाउंस कर दिया लीडर, और वहाँ से लड़ाई लड़ी। तो अब मेरठ इसका आंसर हो जाएगा, ये एनडीए और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम डार्लिम्पल, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सीडीएस में पूछा गया है। अब कह रहा है जो कुंवर सिंह 1857 में कहाँ लीड किया था, ये बिहार में, ये बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया 2005 में, राइट। वो नेटिव लीडर थे, ये वहाँ जगदीशपुर एक जगह है, वहाँ के वो जमींदार थे, राइट, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय अ पोएट। ये गालिब उस समय एक्टिव थे, और ये बीपीएससी में पूछा गया, वो बहुत बड़े शायर और पोएट थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट इनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब बहुत ही दांत खट्टा करने वाला दुश्मन था अंग्रेज का, जो कि फैजाबाद से, मैंने आपको पहले ही बताया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सप्रेशन ऑफ 1857। मैंने आपको बताया था जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया क्रूरतापूर्वक, बहुत ही बेरहमी से दबाया, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस लाए, राइट। उसमें मिलिट्री का भी चेंजेज आया, और इसके लिए उन्होंने पील कमीशन का स्थापना हुआ था। अब उसमें क्या था, जो पहले इंडियन आर्मी ज्यादा हुआ करती थी, इंडियन फोर्स, लेकिन अब क्या हुआ, 2:1 के रेशियो, मतलब ब्रिटिश होगा 2 और इंडियन 1 होगा। साथ ही साथ इसमें बिहार और अवध के सैनिक को बिल्कुल छटनी करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से लिया गया, पठान, फिर नेपाल इत्यादि के आर्मी को उन्होंने सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, गोरखास, सिख, पंजाबीज इन द नॉर्थ, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था जो यूपी और बिहार के, क्योंकि सिपाही म्यूटिनी था, राइट, तो उनको लगने लगा था जो ये अब हम ब्रिटिश के साथ नहीं है, इसलिए उन लोगों की छटनी स्टार्ट कर दी गई थी, और ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये 1 नवंबर 1858 को, 1857 के बाद 1858 को उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ट्रांसफर हो गया पावर, ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ, ऑफकोर्स बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मी, इसका आंसर बेगम हजरत महल होगा, ये झांसी गई थी, नाना साहेब एंड तात्या टोपे, ये कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये यूपी पीसीएस और एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज, ऑफकोर्स ये तो थी झांसी की रानी, लेकिन इसका जन्म हुआ था वाराणसी में, जो कि यूपी में, और ये यूपी पीसीएस स्पेशल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर होगा, ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंस्टेंसेस वी कुड नॉट प्ले ऑफ मोहम्मडंस अगेंस्ट हिंदूज टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड रिमार्क्स द एसोसिएशन रिलेट्स। अब ये एक ब्रिटिश थे, उन्होंने ये रिमार्क्स दिया था, जो इस, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स जो 1857 का ये था कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी बहुत ज्यादा थी,
और दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। तो ये कह रहे हैं, जो ये एक ऐसी घटना है जो हम प्ले ऑफ मीन्स होता है एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाना, जो मुस्लिम है उसको हिंदू के विरुद्ध नहीं लड़ा सकते हैं। तो ये 1857 की घटना के बारे में उन्होंने ये ऐसा कहा था, और ये यूपीएससी में पूछा गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था जो दिल्ली या जो सेंट्रल इंडिया है, इसके बाद यूपी है, बिहार है, वो काफी प्रभावित था। तो झांसी कहाँ है, कहीं ना कहीं वो उस समय सेंट्रल प्रोविंसेज में आता था, जगदीशपुर बिहार में, लखनऊ ऑफ कोर्स यूपी में, और चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। राइट, ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाय अ फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट डेथ बाय द ब्रिटिश। तो ये तात्या टोपे है गाइज, उसके दोस्त ने उसको जंगल में, जब वो नाना साहेब तो वो नेपाल भाग गए थे, राइट, कुंवर सिंह, वो बाद में उनको देहांत हो गया, ही गॉट मार्टायर्ड, और तात्या टोपे ये जंगल में भाग गया था, वो अपने दोस्त ने उसके साथ चीटिंग करा और उनको पकड़वा दिया। राइट, ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही मेथ्यूनी। तो ये लॉर्ड कैनिंग है, उसी समय वो गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से ये 24 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप जाके इस चैप्टर को पढ़िए, और इससे रिलेटेड और सारे फैक्ट्स हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ में चीज़ आएंगी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और फर्स्ट टाइम विजिटर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे एवरी इवनिंग वी आर अपलोडिंग द MCQ, और इससे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, साथ ही साथ हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर।